हेलो दोस्तों, जय हिंद। माई सेल्फ संदीप इसका मैं मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस ट्रेनर। दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर मैं आया हूँ एक बहुत ही पावरफुल एनर्जेटिक वीडियो। 26 जनवरी के शो अवसर पर इस भक्ति वाला वीडियो लेकर आया हूँ और मैं आज आपको बताऊंगा कि हमारी इंडियन आर्मी की पावर क्या है और उसमें कौन कौन सी शक्तियाँ हैं जो विश्व पर हमें सबसे अलग बनाती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और देशभक्ति की भावना को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम अपने भारत देश की। तो भारत देश की विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्मी सेना है भारत के पास। लगभग 35 लाख से ज़्यादा आर्मी हमारे पास है, जिसमें 14 लाख से ज़्यादा आर्मी एक्टिव है। दोस्तों, बात कर लेते हैं हमारे इंडियन बजट की। तो हमारा भारत का जो आर्मी बजट है, जो डिफेंस बजट है, वो 65.8 बिलियन $ था, जो 2020-21 के बजट में था। तो भारत की जीडीपी है, उसमें से 3% का जीडीपी बजट डिफेंस के लिए जाता है, जो हर साल बढ़ता जाता है। बात कर लेते हैं तो भारत की आर्मी की 3 इकाई है, जिसमें भारतीय सेना और एयरफोर्स और नेवी शामिल है। तीनों को मिला के बात करें तो तीनों में अलग अलग तरीके की बहुत ही पावरफुल मिसाइलें और हथियारों से लैस आर्मी सेना है। भारत के पास 4500 से ज्यादा मिसाइल टैंक हैं और 8500 से ज्यादा आर्मोर्ड फाइटर टैंकर हैं, 56 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन हैं और 300 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर मिसाइल्स हैं। वही बात कर लेते हैं मिलिट्री हेलीकॉप्टर की बात करें तो 800 से ज्यादा मिलिट्री हेलीकॉप्टर एयरफोर्स के पास है। वहीं ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की बात करें तो 350 से ज्यादा ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट भारतीय एयरफोर्स के पास में है। वहीं बात कर लेते हैं भारतीय नेवी की, तो उसमें 70 से ज्यादा सबमरीन भारतीय नेवी के पास में उपलब्ध है और 15 से ज्यादा लॉन्चिंग शिप टैंक भारतीय नेवी के पास में उपलब्ध है और 10 से ज्यादा डिस्ट्रॉय शिप भारतीय नेवी के पास में उपलब्ध है। तो भारतीय एयरफोर्स की और ज़्यादा पावर बढ़ाने के लिए, जो अभी आप सभी को पता है कि रूस से भारत की जो डील हुई है, उसमें राफेल का जो भारत ने डील किया है, तो वो हमारे पास में उपलब्ध हो चुके हैं। रूस भारत के पास भेज चुका है, बाकी ऑर्डर पर अभी पेंडिंग है, जो जल्द से जल्द भारत आने पर हमारी एयरफोर्स की पावर को और ज़्यादा बढ़ा के रख देंगे। दोस्तों, ये सब तो हुआ भारत के पास में कौन कौन सी मिसाइल्स और कौन कौन से टैंक्स और एयरक्राफ्ट उपलब्ध हैं, लेकिन इनसे भी ज़्यादा इनकी बहुत सारी खूबियां भारत के पास में उपलब्ध हैं। कौन से हथियार हैं, कौन कौन से टैंक्स हैं, उनके बारे में पूरी तरह से डिटेल्स बताना नामुमकिन है, बट मैं आप सभी को बता दूं कि भारतीय सेना विश्व की सबसे बड़ी चौथी एक पावरफुल सेना है, जो हर एक क्षेत्र में सक्षम है, चाहे जल हो, थल हो या वायु हो, हर जगह पर इतने पावरफुल तरीके से सक्षम है कि जो विश्व के हर एक मुल्क से अपने दुश्मन को धूल चटाने के लिए काफी है। बात कर लेते हैं अपने दुश्मन देशों के बारे में, तो हम उन पे सबसे पहले हमारे भारत की जो आर्मी है, उनका एक मोटिव होता है कि वो पहली बार नहीं करती है। आज तक 5000 सालों में भारत ने कभी किसी पर वार नहीं किया है। ये एक भारतीय सेना का मोटिव है और ये हमारे राष्ट्रीय मोटिव में से एक है कि हम कभी पहले किसी पर वार नहीं करते, लेकिन जो भी वार करता है हम उसको धूल चटा के रख देते हैं, जो कि आप पिछले 1971 और 1972 में देख भी चुके हैं, कारगिल में ये देख चुके हैं। तो भारतीय सेना किसी से कम नहीं है, डिफेंस का बजट भी बढ़ रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि आने वाले कुछ ही समय में भारत की सेना एक विश्व सर्वशक्ति के रूप में आगे बढ़ सकती है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और यदि आप अपने देश से प्यार करते हैं और उसके लिए कुछ करना चाहते हैं तो देश हित में कार्य जरूर करिए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आप हमेशा अपने वीर सपूतों का सम्मान करें और उनके लिए कुछ हो सके तो आप उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ करें, क्योंकि वो हम जब चैन से रहते हैं तो वो बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए अपना बलिदान तक दे देते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम देश के अंदर रहकर देश की उन्नति में कुछ कार्य करें और देश के लिए, देश के हित में कुछ कार्य करें। तो जरूरी नहीं है कि बॉर्डर पर जाकर ही सेवा की जाए, हम देश के अंदर रहकर कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जो देश निर्माण में आपका महत्वपूर्ण योगदान दे सके। दोस्तों, जाने से पहले देश के लिए एक शायरी बोलना चाहता हूँ कि दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर बदन से हंसी सनम नहीं होता, फूलों से लिपट कर सोने में सिमट कर मरते हैं कई, पर बदन से हंसी कफन नहीं होता। जय हिंद, जय भारत।